दोस्तों, मेरा नाम गफार है और आज फिर मैं एक न्यू डिजाइन लेके आ रहा हूँ और वो डिजाइन है रॉयल प्ले ताना वाना, जिसके जो 8 डिजाइन है उनमें से एक डिजाइन है ये, जिसका नाम है तसर। और तसर डिजाइन में आज मैं इस पर निकालूंगा। तो सबसे पहले हम इस दीवार के ऊपर जो अप्लाई करेंगे रॉयल लग्जरी मुल्सन, दो दो कोट अप्लाई करेंगे, वो ये है हमारे पास। ये बेस कोट है और इसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे हम, वो करेंगे हम रॉयल प्ले, मतलब टॉप कोट। रॉयल प्ले का नाम होता है टॉप कोट। तो ये एशियन पेंट्स कंपनी का मटेरियल है और सारे मटेरियल जो रॉयल प्ले में और रॉयल लग्जरी मेंशन में होते हैं, ये उसी के होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम दीवार पर मटेरियल लगाना। तो सबसे पहले आपने पहला कोट लगाना है, पहले कोट के बाद दूसरा कोट लगाना है। पहले और दूसरे कोट के जो बीच में जो गैप रहेगा वो कम से कम 4 घंटे का आपका गैप रखना होगा, जिससे कि वो अच्छी तरह से सूख जाए और उसके बाद ही अप्लाई करना दूसरा कोट। जो नीचे का जो बेस कोट होता है उसको आप रूलर से या फिर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन है जो अभी मैं निकाल रहा हूं तो सर, तो इसमें आप रूलर या ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं हम रॉयल प्ले पैटर्न नेम तसर। तो जो डिजाइन है हमारा ताना वाना का, जो डिजाइन है रॉयल प्ले पैटर्न नेम है उसका तसर। तो वो डिजाइन मैं निकालने जा रहा हूँ। उसमें बेस कोड आपने देख ही लिया किस तरह से मैंने बनाया है, और ये एशियन पेंट्स का जो मटेरियल होता है एशियन पेंट्स का, तो ये भी एशियन पेंट्स का ही हमारा रॉयल प्ले। ये देखिए रॉयल प्ले, और ये PG5 है और इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 7429। इसके अंदर जो ब्लू कलर का डार्क जो ब्लू होता है वैसा इसके अंदर कलर निकलेगा। तो इसके अंदर कितना मटेरियल डालेंगे वो मैं अभी इसमें बता देता हूँ आपको, कि कितना हमने इसके अंदर पानी डालना है एक लीटर में मटेरियल के अंदर, तो वो सब अभी वीडियो में बताते हैं। तो अभी हमारे पास ये डब्बा है और इसको हम खोलते हैं, और मैंने जो ये डब्बा जो है पूरा नहीं डालना है और आधा डालूंगा। ये देखिए कितना डालना है, और इसके अंदर मैंने जो पानी जो मिलाना है वो कम से कम 100 ग्राम तक पानी मैंने इसके अंदर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डाला, 100 ग्राम ही डालना है। एक अंदाजा मैंने 100 ग्राम का पानी डाला है, और इसके लिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मटेरियल हमारा बन चुका है। अभी जो तसर जो डिजाइन है वो बनाने जा रहे हैं हम, और ये इससे बनेगा वो, और इस तरह से हमने बनाना है वो। इस दीवार पे एक ही बनता सर्कल, इसमें जैसे एक ही बार बनता है और बार बार डबल करने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही होता है। तो ये हमारा रूलर है जिससे हम मटेरियल चढ़ा रहे हैं अभी इस पर। पूरी दीवार पे एक बार में आप मटेरियल चढ़ा दें, पूरी दीवार पे आपकी जो दीवार है एक बार में मटेरियल चढ़ा लें, उसके बाद वो डिजाइन निकाल सकते हो आसानी। जो तसर जो पैटर्न है वो हम डाल रहे हैं, डिजाइन डाल रहे हैं, और ये है हमारा ब्रश। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो इस तरह का ये डिजाइन बनेगा जैसे ये बना है, और इसे थोड़ा ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने ये बीच में ही डाला है, थोड़ा सा ये बना दिया है, इसको तिरछा करके भी हम कर सकते हैं। इसके दो तरह का पैटर्न पड़ सकता है, तिरछा करके भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्लाइंट को पसंद था तो इस तरह से हमने ये किया है, उनको टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, वो थोड़ा लेवल में चाहिए था, तो इस तरह का हमने डिजाइन निकाला है।